आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज़ एक्सप्रेस। किसको आवासीय विद्यालय में नाश्ता में बच्चों को दिया जा रहा है बासी खाना, बीडीओ ने कहा होगी जांच। झारखंड सरकार के कल्याण विभाग की ओर से संचालित अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय किसको में बच्चों को शेड्यूल के अनुसार भोजन नहीं दिया जा रहा है, जबकि विभाग की ओर से बच्चों को पौष्टिक आहार के लिए प्रत्येक माह करीब 75,000 रुपए राशि आवंटन होता है। इसके बावजूद भी बच्चों को बेहतर खाना के बजाय रात का बचा हुआ बासी खाना दिया जा रहा है, जिससे बच्चे बीमार हो सकते हैं। गुरुवार की शाम में पहुंचने पर पता चला कि बच्चों को आज शाम में नाश्ता कुछ नहीं दिया गया। रात के लिए दाल भी पानी जैसा बना था, जबकि शेड्यूल के अनुसार चूड़ा भुना हुआ देना था। यहां शेड्यूल के अनुसार 4 दिन बच्चों को दूध देना है और साथ में हॉर्लिक्स देना है, परंतु 1 दिन दूध दिया जाता है उसमें भी पानी और चीनी मिलाकर बांट दिया जाता है। मामले पर किसको बीडीओ अनिल कुमार मिंज का कहना है कि बच्चों के शेड्यूल के अनुसार भोजन उपलब्ध कराना है। अगर बच्चों को बासी खाना दिया गया तो इसकी जांच कर संबंधित विभाग को कार्रवाई हेतु लिखी जाएगी।